आजकल सिवान के एक मोहल्ले में लगा बैनर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए इस पे हमारे कैमरामैन जरा कैमरा जूम करें और दिखाएं कि किस तरह से इस इलाके के लोगों ने एक बैनर लगाया हुआ है जिस पर स्थानीय विधायक व्यासदेव प्रसाद और सांसद ओम प्रकाश यादव का फोटो है और इन लोगों का कहना है, बैनर पे लिखा हुआ है, हमारे जनप्रतिनिधि लापता हैं। आसी नगर की टूटी फूटी गंदगी भरी सड़कें जिस किसी को भी मिले कृपया आसी नगर में भेजने की कृपा करें। निवेदक, आसी नगर की परेशान जनता। अब इस तरह से जो बैनर लगाए गए हैं वो चर्चा के विषय बनना ही था और यही कारण है कि लोग ये कह रहे हैं कि इस इलाके को यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं या फिर वार्ड पार्षद हैं, इन लोगों ने सौतेला व्यवहार किया। न यहाँ सड़कें बनी, ना ही यहाँ नालियाँ बनी। जो सुविधा होनी चाहिए थी नगर परिषद की, जो सुविधा होनी चाहिए थी विधायक फंड की, जो सुविधा होनी चाहिए थी यहाँ के स्थानीय सांसद की तरफ से, वो सब इन्हें नसीब नहीं हुआ और यही कारण है कि इन लोगों ने एक बैनर लगा दिया कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो गायब हैं। हालांकि एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ये कहते हैं कि हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के नेता हैं। वो ये नहीं कहते कि जितने लोगों ने वोट दिया है मैं सिर्फ उनका नेता हूं, और वो ये भी कहते हैं कि मैं सेवक हूं उनका, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की और सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कि फिर अगर सबका साथ और सबका विकास तो आसी नगर क्या हिंदुस्तान से बाहर है या सिवान से बाहर है? फिर ये सड़कें क्यों सुनी रह गई? क्यों नहीं यहाँ पे विकास इस गली तक आया? क्यों नहीं जो नालियां बननी चाहिए थी, जो और अन्य वार्डों में बन रहे हैं, वो यहाँ तक आया? कई वार्डों का आलम यह है जो हम लगातार देखते हैं कि काम करने का वहां पे काम नहीं है, उस वार्ड का पैसा किसी दूसरे वार्ड में जाता है, लेकिन उससे भी महरूम है ये वार्ड। यहाँ बहुत से लोग खड़े हैं इस इलाके के, हम इन्हीं से अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? आप बताइए कि जिस तरह का ये बैनर आपने क्या सोचकर लगाया है? सर, हम लोगों ने सोच के इसलिए लगाया है कि यहाँ पे आज तक, हम लोग भी यहाँ रहते हुए 17-18 साल हो गया, कोई भी जनप्रतिनिधि ये देखने नहीं आया है कि यहाँ इन लोगों का क्या हाल है, कैसे ही लोग आते जाते हैं। हम लोग सर इतना पानी पार करके आए गए हैं यार, अभी तक हम लोग बहुत सारे वार्ड पार्षद या नगर परिषद, यहाँ तक कि DM ऑफिस, सब जगह हम लोग गए, वहाँ पर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ से बोला गया ठीक है, हम लोग वार्ड पार्षद से बात करते हैं, वार्ड पार्षद बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हम किस तरह, और बाकी और जगह उनको लगाने के लिए हर तरह का फंड है, यहाँ पे किसी तरह, मतलब हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है ये हम लोग मान रहे हैं, और जनप्रतिनिधि तो पूछने ही नहीं आए। हम लोग कई बार कभी सांसद या विधायक, जब आपके वार्ड पार्षद ने कहा कि पैसे नहीं है, फंड नहीं है हमारे पास, तो कभी आप लोगों ने सांसद या विधायक से मिलने का प्रयास किया? जी, हम लोग मिले हैं सर, दो बार मिले हैं सांसद से भी और आपको विधायक जी से भी, लेकिन बोले कि ठीक है हम आकर वहाँ पे देखेंगे, अभी तक लेकिन कभी नहीं आए। कभी देखने आए? कभी नहीं आए सर, अभी तक नहीं। ये समस्या है, वोट के समय में जिस गली में नहीं जाना चाहिए, हमें लगता है कि उस गली में भी नेता जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे चुनाव आता है एक एक घर उनको याद होता है, एक एक घर के लोग उनको याद होते हैं और पता होता है कि कहां हमें जाना है, किन लोगों से मिलना है, जिनको वो जो वोट उनको नहीं देते हैं उनके घर भी वो चले जाते हैं। लेकिन जब काम की बारी आती है तो सिर्फ आश्वासन आश्वासन और सिर्फ आश्वासन। हम यहां और लोग हैं, आप बताइए क्या समस्या है, क्या ये बोर्ड आपने लगा दिया, कैसे बोर्ड लगा दिया? हम लोग ने इसलिए लगाया कि यहाँ तक आज तक कोई विधायक ना MP आया देखने के लिए कि हम लोग किस समस्या में, बरसात के दिन में नाली का पानी बाहर आ जाता है, हम लोग नमाज पढ़ने जाने में दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होती है, और रिक्शा तक यहाँ अंदर तक नहीं आता, रिक्शा वाला सीधे बोलता है कि हम अंदर नहीं जाएंगे, लोग परेशान रहता है हमेशा, और लो,
लोग जब तबीयत खराब होता है तो बहुत तकलीफ से यहाँ के लोग झेलते हैं। बहुत सारा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे अभी, इसीलिए हम लोग बैनर लगाएंगे कम से कम यहाँ के सांसद और विधायक आके देखे कि हम लोग किस परिस्थिति में हैं अभी तक। तो कभी आए देखने के लिए? अभी तक तो नहीं आए। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं देखने आए? आप इतने लंबा समय 10 साल 12 साल से बोल रहे हैं कि कोई विकास का काम नहीं हुआ, आखिर क्या कारण है? वो तो आज तक तो पूछने तक नहीं है कि यहाँ के लोग किस तरह रह रहे हैं। और वार्ड कमिश्नर के पास एक बार गए तो वो सीधे बोलते हैं कि हम इधर काम कराएंगे ही नहीं, हम सीधे बोलते हैं। क्यों, क्या कहा वजह आपने नहीं पूछा? बोलता है कि इधर का लोग वोट नहीं दिया है, वो सीधे बोलता है कि इधर का वोट नहीं दिया है। यही मुख्य कारण यही है? हाँ जी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सुहैब, आसी नगर। आप देखिए किस तरह से एक सुहैब नाम का युवक है, जब ये बता रहा है, दर्द अपना बता रहा है कि यहाँ पे जब वो वार्ड पार्षद के पास गया और वार्ड पार्षद ने इस तरह से बड़े बेरुखी के साथ ये कहा कि इस इलाके के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है और यही वजह है कि हम काम नहीं करवाएंगे, ये समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसे लोग जीत कर कैसे जाते हैं जो यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं, चाहे वार्ड में या फिर कहीं भी। ऐसे लोगों को जनता आने वाले दिनों में, चूंकि जनता अब जागरूक हो रही है धीरे धीरे, आने वाले दिनों में जनता ऐसे लोगों को आईना जरूर दिखाएगी। आप बताइए जिस तरह से, आपको क्या लगता है कि क्या वोट नहीं देना ही सिर्फ एक कारण है या इसके पीछे और कोई कारण है? देखिए, पहली वजह तो यह है कि यहाँ के राजनीतिक जो है वो लोकतंत्र की परिभाषा अच्छे से जानते नहीं है। जब आप चुनाव लड़ते हैं और आप किसी एक क्षेत्र से आपको वोट नहीं मिलता है फिर भी आप जीतते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ जीते हुए लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसमें आपके वोटर भी हैं और आपको वोट करने वाले नहीं भी लोग हैं। तो ये एक सोच जो है इनके मन में बैठ चुकी है कि हमको वोट नहीं मिला तो हम इधर काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा चलेगा तो आधा हिंदुस्तान जो है वो विकास से महरूम रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सब लोग एक ही पार्टी को वोट नहीं करते। जी, जी, जी। दूसरी चीज़ है कि सौतेला व्यवहार यहाँ होता है सिर्फ इस वजह से कि ये एक कम्युनिटी बेस्ड इलाका है, ये इलाका जो है एक अल्पसंख्यक मोहल्ला है और इस वजह से यहाँ के प्रशासन या लोकल जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसको बायकॉट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो ये एरिया उनके उनके लायक नहीं है या उनका वोट बैंक नहीं है। हो सकता है कि ये एक मिथ है। देखिए, हमारे लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो गुप्त होता है, तो मैंने किसे वोट दिया सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने मुझे वोट नहीं दिया। अगर मैं आपको आके ये कहूँ कि मैंने इसकी पहचान वो धर्म के आधार पे करते हैं। जी बिल्कुल, ये इलाका इस तरह का ही इलाका है, फुल्ली मुस्लिम कम्युनिटी एरिया है और इस वजह से बहुलता है यहाँ पे मुस्लिम समुदाय की, इस वजह से इस एरिया को अछूत बना के रख दिया गया है। यहाँ कोई काम नहीं किया जाता। और देखिए, काम करने वाले, जैसे आपने बताया कि वार्डों में पैसा नहीं है तो दूसरे वार्ड से पैसा लेकर लोग चले आ रहे हैं, और यहाँ अगर वो चाहते तो बहुत सारा काम कर सकते, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ बहानेबाजी है। और कभी इस इन सारी समस्याओं को जन प्रतिनिधि से हट करके आपने जिला प्रशासन के जिला अधिकारी या और भी लोग हैं उन लोगों से कभी मिलने का प्रयास किया या नहीं? जी, हमारे भूतपूर्व डीएम साहब थे महेंद्र कुमार जी, हम उनके पास गए हुए, हम लोग गए हुए थे। उन्होंने हमारे सामने फोन करके आदेश दिया था नगर पालिका के कार्यपालिका अधिकारी को कि आप जल्द से जल्द इसका इंतजाम करें, और वहाँ से रिप्लाई भी आया था कि हम इस पर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी उनका तबादला भी हो गया और अभी हमें अब नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। तबादला भी उनका हो गया और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई नगर परिषद की तरफ से, तो हम अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। हमने 20 साल इंतजार कर रखा है, हम देखते हैं आगे क्या और कितना हमें और इंतजार करना पड़ेगा। जी, मेरा नाम गुफरान मुजीब है और जिनसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी, और उन्होंने कहा कि जो विकास की जो गंगा है जो अन्य जगहों पर तो बह रही है लेकिन इस इलाके में आने में उसे परहेज है, क्योंकि एक धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पे विशेष धर्म संप्रदाय के लोग हैं जिनमें शायद लोगों को लगता है कि इन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया और यही वजह है जिसके कारण विकास यहाँ पे नहीं। अब हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बताएं कि किस तरह का है। मेरे सामने ये आपको महिला थाना है सिवान का, महिला थाना की बिल्डिंग है, और दूसरी साइड में अनुसूचित जनजाति का एक थाना है, और इसके सामने नालियों की जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि क्या हालात है यहाँ पे। इधर सामने नालियों की हालत दिखाई दे रही है आपको।
एक डस्टबिन भी यहाँ बड़े तहजीब के साथ रखा हुआ है। दो दिन पहले इसका खबर आया था कि साढ़े छह करोड़ का घोटाला है। ये है डस्टबिन, 6.5 करोड़ का घोटाला। स्वीपर बेचारे हैं, वो काम कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नालिया की जो हालत है वो जस की तस है। अब मैं उस रोड की तरफ ले चल रहा हूं जहां ये बैनर लगा हुआ है, चर्चित बैनर है। आज पूरे शहर के अखबारों ने भी इस बैनर को अपने अखबार में जगह दिया है। ये सड़क है आशी नगर जाने के लिए, जहां लोगों का कहना है कि यहां पे कमर तक, जब बरसात का सीजन होता है तो कमर तक पानी लगता है। सामने जो सफेद बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो सिवान के पूर्व चेयरमैन कुर्बान हैदर जी का मकान है, और बगल की जो बिल्डिंग है वो सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन का मकान है। ये इलाका है, और ऐसे ऐसे विशेष लोग जब इस इलाके में रहते हैं और उस रोड की जो दुर्दशा है आप देख सकते हैं, और इसी दुर्दशा को लेकर के यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जो पूरी तरह से तकलीफ में अपना जीवन जी रहा है, उन लोगों ने यहाँ पे एक बैनर लगा दिया जो आज चर्चा का विषय है। अब देखना है कि इनकी आवाज जो यहाँ के जन प्रतिनिधि हैं उनके कानों तक पहुँचती है या नहीं। हालांकि हम उनके कानों तक इनकी आवाज पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन तब देखना होगा कि इनका तकलीफ जो है वो दूर होता है कि नहीं। रमजान का महीना है, एक महीने के बाद ईद आने वाला है। अब देखना है कि इनके दुख दर्द दूर होता है या नहीं। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव, सिवान।